की पुलिस यहाँ पर है और पैरा मिलिट्री यहाँ पे है, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं और आगे का क्या प्लान है? आपको पता होगा कि पिछले डेढ़ महीने से जिस तरह से मोदी सरकार, केंद्र की सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास और कोशिश कर रही है, उसका एक नजारा है ये। कांग्रेस पार्टी के लोग जब देश के युवाओं के रोजगार की बात कर रहे हैं, जब बढ़ती हुई महंगाई के बारे में बात कर रहे हैं, अनाज पे, दूध दही, रोजमर्रा के सामान पर जीएसटी लगा देते हैं, सिलेंडर के दाम बढ़ा देते हैं, मुद्दों पे चर्चा ना करें, इसीलिए विपक्ष के ऊपर कैसे देखते हैं ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेस और यहाँ पे पुलिस मौजूद है, उनको कैसे देखते हैं? 10 जनपद पे भी मौजूद है, कैसे देखते हैं इस सबको? ये आज नहीं है, लगातार हो रहा है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में महंगाई और बेरोजगारी के लिए 5 तारीख को विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है, उस आह्वान से डर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार, कांग्रेस के आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है, ताकि कांग्रेस जनता की आवाज ना उठा सके, कांग्रेस जनता की लड़ाई ना लड़ सके, कांग्रेस जनता के अधिकारों की लड़ाई ना लड़ सके। तो अभी आप लोग क्या यहाँ पर ही प्रदर्शन करने वाले हैं अंदर बैठ करके, या फिर कहीं मार्च भी करने का प्लान है? क्या प्लान है एग्जैक्टली? ये हमारा मुख्यालय है, हमारी पार्टी का मुख्यालय है, हम लोग यहाँ अक्सर आते और जाते हैं, लेकिन जिस तरह से पार्टी